आज से करीब 56 साल पहले जेल के कैदियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर हार्बर्ट ने एक बेहतरीन प्रयास किया था। डॉक्टर हार्बर्ट अपने उपचार की 23वीं वर्षगांठ पर प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन में लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने जैसे नेक काम के लिए चुने गए थे। डॉक्टर हार्बर्ट का जन्म 19 जून 1934 को पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में हुआ था। डॉक्टर हार्बर्ट येल यूनिवर्सिटी में ड्रग डिपेंडेंस यूनिट के संस्थापक भी थे। वे यहाँ साइकोलॉजी में प्रोफेसर भी थे। बाद में हार्बर्ट ने व्हाइट हाउस में नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के दफ्तर में डिमांड रिडिक्शन के लिए डिप्टी डायरेक्टर के रूप में तकरीबन 3 साल तक काम किया। डॉक्टर हार्बर्ट ने डार्टमाउथ कॉलेज में प्री मोड का अध्ययन किया और मनोवैज्ञानिक की अपनी खोज में जुट गए। उस समय जब नशे को एक नैतिक विफलता के रूप में देखा जाता था, डॉक्टर हार्बर्ट ने इस धारणा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस समस्या को रिसर्च द्वारा दवा और चिकित्सक के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। 1964 में यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए डॉक्टर कोलेबर को कॉलिंगस्टन केंटकी के एक जेल अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां हजारों कैदियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए इलाज किया जाता था। जेल से आज़ाद होने के बाद ये कैदी देश दुनिया के अलग इलाके में चले जाएंगे और इनका इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। इस हिसाब से डॉक्टर हार्बर्ट ने एक नया दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर दिया। नशे की लत से जूझ रहे मरीज को दंडित करने या शर्मसार करने की बजाय डॉक्टर केलेबर ने रिसर्च के महत्व पर बल दिया। इस वजह से काफ़ी रोगियों को दवा और चिकित्सीय समुदाय के सावधानीपूर्वक उपयोग के माध्यम से ठीक होने और बीमारियों से बचने में मदद मिली। डॉक्टर हार्बर्ट कैलेबर वास्तव में सदा आशावादी होने की अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए नशे की लत से उपचार के परिदृश्य के बदलने में जुटे रहे। इस वजह से नशे की लत के रोगियों को शर्मिंदा करने की जगह सम्मान से उनका उपचार करने की प्रेरणा आगे बढ़ी। इस प्रक्रिया में अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।